अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इस्लामिक तालीम में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार ऐसी चीज़ों के बारे में जो जिसके पास होगी वो इंशाल्लाह बहुत ही खुश नसीब होगा। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम आपको बहुत ही खूबसूरत हदीस की तरफ ले के चलते हैं। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास ये चार चीज़ें होंगी वो शख्स बहुत ही खुशकिस्मत होगा। तो दोस्तों वो चार चीज़ें ये हैं। नंबर एक, जिस इंसान की नेक बीवी हो और पाक दामन हो और अल्लाह ताला की इबादत करने वाली हो। जिस शख्स के पास नेक बीवी हो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है। नंबर दो, जिस इंसान की नेक औलाद हो जो अपने माँ बाप के साथ साथ सभी की इज्जत करते हों, जिसकी इस तरह की औलाद हो वो इंसान भी बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत होता है। नंबर तीन, जिस इंसान के दोस्त नेक हों, इबादत गुजार हों, इबादत करने वाले हों और दूसरों को भी अल्लाह ताला की इबादत की दावत देने वाले हों, जिसके पास इस तरह के दोस्त हैं वो इंसान भी बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत होता है। नंबर चार, जिस इंसान को रिज़्क के लिए अपने शहर अपने मुल्क से बाहर ना जाना पड़े, अल्लाह ताला उसे उसके शहर उसके मुल्क में ही रिज़्क अता करें तो वो इंसान भी बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है। जिस इंसान की किस्मत में ये चार चीज़ें हैं वो इंसान बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारी और आपकी किस्मत में ये चार चीज़ें लिख दें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बहुत ही खूबसूरत हदीस है। आप लोगों से दिल से गुजारिश है, हदीस को सुन के आगे शेयर ज़रूर करना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो इसको दिल से लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक तालीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी खिदमत में इसी तरह रोज़ एक वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।